स्वाध्याय में बनाए, सहनशील बनाए, शरीर के ममत्व से मुक्त रहे तो आत्मा सिद्ध पद को प्राप्त कर सकती है। तो ऐसा सिद्ध पद हमें जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, हमारी आत्मा भी भगवान बने। जैन शासन कहता है आप भी भगवान बन सकते हैं। मैंने कुरान पढ़ा, वेद पढ़ा, बाइबल पढ़ा, कहीं पर भी मैंने ये नहीं पढ़ा कि आप स्वयं खुदा बन सकते हो, आप स्वयं गॉड बन सकते हो, आप स्वयं ब्रह्मा बन सकते हो। लेकिन जैन दर्शन पुकार पुकार करके हर जगह पर कहता है आप भी भगवान बन सकते हैं, आप भी महावीर या आदिनाथ बन सकते हैं। तो आज सिद्ध पद की साधना करें, हम भी परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करें, ऐसी भावना को धारण करें। और जहां विद्राग स्वरूप नहीं है वहां वंदन करना पाप है। देवी देवताएं तो भगवान के चौकीदार है, देवी देवताएं तो साधु साध्वी से भी नीचे है। पद्मावती देवी हो या चक्केश्वरी देवी हो, मानी भद्रवीर हो या घंटाकर्ण महावीर हो, साधु धर्मलाभ कहेंगे वो श्रावक और श्राविका है, संसार में बैठे हैं, आरंभ और समारंभ में बैठे हैं, धर्मलाभ उससे अधिक कुछ नहीं। उनकी पूजा अर्चना या उनको हाथ जोड़ के वंदन नहीं होता। और इसलिए गृहस्थों को भी विवेक रखना है। कई लोग मैंने देखे मंगलवार को पैदल चल करके जाते हैं, मुकुट चढ़ा के आते हैं, क्या पागलपन करते हैं, कुछ नहीं मिलेगा। और कर्म का बंद होगा और अंतराय का बंद होगा। जिसमें साधुता नहीं हो और उसको साधु के भाव से बंधन करे तो पाप का बंद होता है। जहां परमात्मा का स्वरूप नहीं है और वहां भगवान की बुद्धि से नमन वंदन करे अवश्य पाप का बंद होता है। मिथ्यात्व में भटकने से बाहर निकल जाए, अन्य स्थानों पर मत्था टेकना बंद कर दे। केवल विराग मेरे देव है, तीर्थंकर मेरे परमात्मा है। और जिन्होंने सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर ली है वो अवस्था वाले, चाहे वो पांच पांडव हो, चाहे हनुमान हो, चाहे भगवान राम हो, भगवान महावीर या भगवान आदिनाथ हो, उनको मेरा नमन, उनको मेरा वंदन, अन्य कोई स्थान पर नहीं। आज जैनों के घर में डेकोरेशन के नाम पर बुद्ध की मूर्ति आ गई, लाफिंग बुद्धा आ गया, स्लीपिंग बुद्धा आ गया। अरे घर है कि क्या है, म्यूजियम है? दुनिया भर के यंत्र मंत्र लगे हुए रहेंगे, दुनिया भर के देवी देवता रहेंगे, उर्दू में तंत्र मंत्र होगा। ये जैन का घर नहीं होता, मिथ्यात्व का घर होता है। हमारे घर में, हमारी दुकान में ये कुछ नहीं होता। केवल वितराग प्रभु, सुंदर तीर्थों के चित्र, अपने वडिल माता पिता या गुरुजनों के चित्र, उसके अलावा कोई मिथ्यात्व का आलम्बन जैनों के घर में नहीं होता। पांचवें दिन इस विषय को विस्तार से कहूंगा। भगवान का स्वरूप जो राग द्वेष के विजेता है वो भगवान है। मोक्ष में जाने के बाद जो वापिस संसार में नहीं आते हैं वो भगवान है। केवल ज्ञानी है और शरीरी है वो भगवान है। और हम भी भगवान बन सकते हैं यदि संपूर्ण कर्मों से मुक्त बने तो। और हिंसा ये पाप है, अहिंसा ये पुण्य है। हिंसा से दुर्गति मिलती है, अहिंसा से सदगति मिलती है। और पूरे विश्व को अहिंसा सत्य सदाचार का संस्कार देना है, सम्यक दर्शन का बोध दे करके विश्व कल्याण हम सभी को मिलकर के करना है। सिद्ध भगवान की आराधना से विश्व के तमाम जीव सिद्ध पद को प्राप्त करें, यही मंगल भावना।